हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं टू लेयर कुर्ती। इसके लिए हमने दो फैब्रिक लिया है, एक प्लेन और एक प्रिंटेड। दोनों फैब्रिक 2-2 मीटर्स हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये जो प्लेन फैब्रिक है उसे हमने 4 फोल्ड किया हुआ है बस। चलिए अब इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। शोल्डर मैं लूँगी 7 इंचेस का, आर्म होल भी लूंगी 7 इंचेस। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। चेस्ट के पार्ट में मैं लूंगी 11 इंचेस। आपका जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसको डिवाइड बाय 4 कीजिए प्लस 2 इंच स्विंग अलाउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट का पार्ट। अब मैं लूंगी ऊपर से 15 इंचेस। ये 15 इंचेस पे मैंने मार्क कर दिया। ये है मेरी कमर की लेंथ। यहाँ पे मैं लूँगी 10 इंचेस। ऊपर हमने 11 इंचेस लिया था, -1 10 इंचेस। अब वापस ऊपर से मैं लूँगी 20 इंचेस। ये होगी मेरे हिप्स की लेंथ। ये हिप्स की लेंथ हो गई। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 12 इंचेस। आपका जितना भी हिप्स का पार्ट हो उसका डिवाइड बाई 4 और प्लस 2 इंचेस स्विंग अलाउंस के लिए। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए, लेंथ हमने ली है 14 इंचेस की। तो अब यहाँ से हम सीधा एक्सटेंड कर देंगे इसे। तो इस तरीके से आप नीचे तक इसे एक्सटेंड कर दीजिए। चलिए अब नेक बना लेते हैं। तो ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ 3 इंचेस की और लेंथ भी लूँगी 3 इंचेस। तो ये 3x3 का नेक बना दिया। चलिए राउंड शेप दे देते हैं। ये बन गया हमारा नेक। अब चलिए आर्म होल बना लेते हैं। तो आर्म होल के लिए देखिए 7 इंचेस है, उसका हाफ होता है 3.5। तो ये 3.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब चलिए राउंड शेप दे देते हैं। एक और आर्म होल हम ड्रॉ करेंगे हाफ इंच अंदर से, वो होगा हमारे फ्रंट का आर्म होल। देखिए, दोनों आर्म होल भी बन गए हैं। चलिए अब इसे कट करेंगे हम। देखिए, हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें दूसरा आर्म होल कट करना है। उसके लिए हम अंदर से एक पार्ट बाहर निकाल देंगे। ये जो हम निकाल रहे हैं वो हमारा बैक का पार्ट होगा। और अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है सिर्फ उसी पार्ट में हम आर्म होल कट करेंगे। चलिए अब इसे दूसरे आर्म होल को भी कट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब देखिए, ये हमारा प्रिंटेड मटेरियल है, उसको भी हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और जो हमने ऑलरेडी कट किया ब्लैक वाला पार्ट उसे रख दिया है। अब देखिए, हमें नेक का पार्ट तो सेम ड्रॉ करना है, तो ये हमने कर दिया। आर्म होल भी हम बिल्कुल सेम रखेंगे, वो भी हमने कर दिया। फिर ये जो कमर का पार्ट है वो भी सेम रहेगा। हिप्स का पार्ट ख़त्म होता है वहाँ से। अब यहाँ से थोड़े चेंजेस होगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा फ्लेयर लूँगी। तो देखिए, यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा हमने फ्लेयर लिया हुआ है। जितना हमारा फैब्रिक है उतना सारा हमने फ्लेयर ले लिया है इस तरीके से। तो बस मार्किंग तो हो गई, चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। अब देखिए, इसमें से एक पार्ट मैं सेपरेट कर लूँगी इस तरीके से। एक ही पार्ट रखा हुआ है मैंने, चलिए इसे वापस अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए, हमने एक पार्ट निकाल लिया। जो निकाल लिया वो बैक का पार्ट था, ये हमारे फ्रंट का है। तो हम इसमें भी आर्म होल हाफ इंच की डीपर बनाएंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा आर्म होल आपको डीप बनाना है, हाफ इंच जितना। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दोनों पार्ट है उसे अच्छे से मिलाएंगे इस तरीके से। और अब हम ये जो पार्ट है उसे दोनों को अलग कर लेंगे। तो ये बीच से पूरी लेंथ में मैं इस तरीके से इसे कट कर लूँगी। ध्यान रखिए, मैं पूरी लेंथ को इसी तरीके से कट करूँगी। तो देखिए, इस तरीके से फ्रंट के हमारे दो पार्ट हो गए हैं। अब देखिए, बचे हुए कपड़े से हम स्लीव्स बना लेंगे। इसे भी हमने 4 फोल्ड किया हुआ है।
तो अब यहाँ से हम मार्क करेंगे 6 इंच पे। मुझे फाइन चाहिए 1 इंच स्विंग अलाउंस के लिए, तो मैं 6 ले रही हूँ। अब ये देखिए ब्रॉडनेस मुझे 9 चाहिए, तो मैं 9 पे मार्क करूँगी इस तरीके से। अब यहाँ से मैं 3 इंचेस डाउन जाऊँगी, ये 3 इंच डाउन हो गया मेरा। अब चलिए शेप दे देते हैं, तो इस तरीके से मैं स्लीव्स का शेप दे दूँगी। ये मेरा एक शेप हो गया है। अब दूसरा शेप, ये फ्रंट के लिए जैसे हमने 2 आर्महोल बनाए थे, स्लीव्स में भी हम 2 शेप देंगे बिल्कुल वैसे ही। देखिए ये हमारी स्लीव्स की चौड़ाई में 7 इंचेस ले रही हूँ। तो चलिए अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। बस हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब देखिए हमने स्लीव्स कट की है, अब हमने जो शेप ड्रॉ किया है उसे कट करेंगे। तो इसको हमने ओपन कर दिया है दोनों स्लीव्स को, और उसके बाद हमें ये शेप काटना है। देखिए ये हमने वो शेप भी कट कर लिया, इसी के साथ हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। ये देखिए हमारा बैक का पार्ट है, ये रॉन्ग साइड है हमारे बैक की। उसके ऊपर हमने जो दूसरा मटेरियल लिया है प्रिंटेड, उसे भी हम उल्टा रखेंगे। ये भी हमारा उल्टा पार्ट है। दोनों की नेक को अच्छे से मिलाएंगे और अब हम पूरे नेक में सिलाई लगा देंगे। अब देखिए सिलाई लगाई है हमने, अब हल्के हल्के हाथों से नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। नॉचेस लगाने के बाद चलिए अब हम इसे टर्न कर लेंगे। तो बस इस तरीके से एक फैब्रिक को उठा के इसे टर्न कर दीजिए और हमारा नेक तैयार है। ये देखिए नेक हमारा तैयार हो गया है बैक का। अब देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो सबसे पहले हम ये जो बॉर्डर है उसे इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे और पूरी लेंथ में सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से इस पार्ट को भी हम तैयार कर लेंगे, हमें बस डबल फोल्ड करके पूरी लेंथ में सिलाई लगानी है। अब देखिए फ्रंट का नेक बनाने के लिए ये हमारा राइट साइड है, ये भी राइट साइड पे रखा हुआ है हमने। बचे हुए कपड़े से एक राउंड स्ट्रिप कट की है हमने बिल्कुल नेक के शेप की। अब हम इसे रखेंगे नेक पे इस तरीके से, और अब पूरे राउंड में हम सिलाई लगा देंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बैक में लगाई थी। उसके बाद हम नॉचेस लगा के इसे टर्न करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पे सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है यहाँ पे। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे पूरे नेक में जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है। ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे। हल्के हल्के नॉचेस लगाने के बाद चलिए अब इसे हम टर्न कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके टर्न कर देना है और पूरे नेक में इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए नेक बन गया है हमारा। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, राइट साइड है। अब उसके ऊपर हम बैक का पार्ट रॉन्ग रखेंगे ताकि हमारी शोल्डर फिटिंग हो जाए अच्छे से। तो इस तरीके से ये मैंने दोनों आर्म होल को अच्छे से मिला के दोनों शोल्डर को अच्छे से मिलाऊंगी। ये देखिए अच्छे से मिला के यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दोनों शोल्डर हमारी फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए शोल्डर फिटिंग हो गई। अभी हमारा राइट पार्ट है, इसके ऊपर हम हमारी स्लीव्स रखेंगे उल्टी इस तरीके से। मिडल से हमेशा स्लीव लगाना शुरू करें, जहाँ स्लीव्स का मिडल है वहाँ पे हमारा शोल्डर फिटिंग आएगी। उस तरीके से रख के आपको पूरे में इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है। इसी तरीके से आपको दूसरी स्लीव्स भी अटैच करनी है। ये देखिए स्लीव्स तो हमने अटैच कर ली है, अब बारी आती है उसकी बॉर्डर फोल्ड करने की। तो इस तरीके से आप रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लीजिए और सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से दोनों स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए अब हम सिलाई पे लगा दी है स्लीव्स पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिटिंग करेंगे। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले चेस्ट का पार्ट मैं लूँगी 19 इंचेस। आपका जितना भी चेस्ट का पार्ट हो आपको डिवाइड बाय 2 करना है प्लस 1 इंच स्विंग अलाउंस के लिए। अब ऊपर से लेंगे 15 इंचेस, ये मेरी कमर की लेंथ है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 15.5 इंचेस। आपकी जितना भी कमर हो उसका हाफ ही करना है प्लस 1 इंच स्विंग अलाउंस के लिए। तो ये भी हो गया हमारी
कमर की फिटिंग। चलिए अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हम फिटिंग बस यहीं तक करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे नीचे की और ऊपर की लेयर अलग रखेंगे हम। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम सेपरेट कर देंगे फ्रंट और बैक का पार्ट, और फिर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे दोनों प्रिंटेड मटेरियल का और फिर दोनों प्लेन फैब्रिक पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके की प्रोसेस आपको इस तरफ भी करनी है। अब देखिए स्लीव्स की फिटिंग मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस की, आप उस भी अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले। चलिए अब इस पूरे पे सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमारी फिटिंग हो गई है पूरी लेंथ तक। अब बारी आती है नीचे की बॉर्डर फोल्ड करने की। तो इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और पूरे में सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से इस फैब्रिक को भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और पूरे में सिलाई लगा देंगे ऐसे। ये देखिए तैयार हो गई है हमारी डबल लेयर कुर्ती। बनाना तो इजी था, बनी बहुत अच्छी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए तैयार हो गई है हमारी डबल लेयर कुर्ती, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को